ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि भगवान को खुश करने के लिए हमें कितने फूल चढ़ाने चाहिए जिससे कि हमारे महादेव हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि देवताओं के ऊपर हम एक फूल भी चढ़ा देते हैं तो वो निरर्थक नहीं जाता, उस एक फूल को चढ़ाने का फल हमें लौट कर मिलता जरूर है। वही शिवपुराण की कथा कहती है कि मनुष्य को भगवान के ऊपर केवल और केवल चार ही फूल चढ़ाने चाहिए, एक बचपन, जवानी, अधेरी और बुढ़ापा। चार अवस्थाएं सुधारने के लिए ही देवी देवताओं को चार फूल चढ़ाने चाहिए। यदि हम भगवान को फूल चढ़ा रहे होते हैं तो उस दिन हमें कुछ कहना ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी तरफ से सब कुछ ये फूल ही भगवान से कहते हैं। क्योंकि जब हम एक फूल भगवान पर चढ़ाते हैं तो फूल भगवान से कहता है कि प्रभु, मुझमें जैसी सुगंध है वैसी ही सुगंध इस व्यक्ति के जीवन में देना जिसने मुझ फूल को आप पर चढ़ाया है। फिर जब हम दूसरा पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं तो फूल कहता है कि भगवान, जैसी मुझमें ताजगी है वैसी ताजगी इस व्यक्ति के जीवन में देना। फिर जब हम तीसरा पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं तो वो पुष्प कहता है कि भगवान, जैसी मेरी पत्तियों में रस है वैसी ही इस व्यक्ति के जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये फूल कहते हैं भगवान से, हमें कुछ कहना ही नहीं होता है भगवान से फूल चढ़ाते समय, क्योंकि जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी में हमें क्या देना जरूरी है। हर हर महादेव। Thank you.